video, we will clear the confusion as when to consider the compulsory approach and when not to consider. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो कवि कहना चाहते हैं हम वही समझें, ठीक है। तो अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें कि पॉइंट एंगल गिवन है, दैट इज 118 डिग्रीज, तो पॉइंट एंगल गिवन है, इसका मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं कि आप कंपलसरी अप्रोच निकालो बाय द फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो मैंने लिखा एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 अल्फा बाय 2, सो डी बाय 2 इज 7.5, 10 अल्फा बाय 2 इज 10, 59 डिग्रीज, दैट इज ऑल इक्वल टू 4.5 mm। तो अब स्टोरी बहुत क्लियर है, मैं लिखूंगा मशीनिंग टाइम दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट 50 mm, तो मैं लिखा 50 प्लस 4.5 प्लस अप्रोच एंड एग्जिट अलावेंस इज 2 mm, सो 2 प्लस 2 एंड व्हाट इज द फीड वैल्यू 0.2, व्हाट इज द आरपीएम 500 एंड विल गेट द रिजल्ट एज 35.1 व्हेन वी मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 60। तो हमें आंसर सेकंड्स में निकालना है, सो आंसर इज 35.1 सेकंड्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2014। अब देखो यहां पर हमें कोई पॉइंट एंगल गिवन नहीं है, लेकिन यहां पर यह बताया गया है रिक्वायर्ड अप्रोच एंड ओवररन टूगेदर, मतलब जो भी है एक्स्ट्रा अलावेंस दैट इज ऑल इक्वल टू रेडियस ऑफ द ड्रिल। ओके, सो मशीनिंग टाइम द थिकनेस इज 40 के बाद क्या ऐड करने का है रेडियस, तो डाया है 20, रेडियस है 10, हमने सिंपली 10 ऐड कर दिया, इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का। ओके, डिवाइडेड बाय 0.1 एंड 400, सो एफ एन एन, सो वी गेट द रिजल्ट दैट इज 50 डिवाइड बाय 40 दैट इज इक्वल टू 1.25 मिनट्स, सो द ऑप्शन इज बी। ओके, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इसमें आपको दिखेगा कि ये है क्वेश्चन IES 2002 का, यहां पर कोई भी पॉइंट एंगल गिवन नहीं है, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा भी नहीं बोला कि रिक्वायर्ड अप्रोच एंड ओवररन टुगेदर इज ऑल इक्वल टू रेडियस ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। यहां पर सबसे पहले आप ये ध्यान से देखो कि जो डायमीटर है वो कितना है 31.8, 32 भी लिख सकते थे ना कभी, लेकिन नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हमें पता है एन इज इक्वल टू वी क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 31.8, 1000 बाय पाई क्या होता है दैट इज इक्वल टू 318.3, सो वी हैव नेग्लेक्टेड 0.3 और यहां पर हमने लिखा 31.8, तो यहां से अपने को मिल जाएगा 200 आरपीएम। मशीनिंग टाइम हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द थिकनेस 100 प्लस अप्रोच ओवर ट्रैवल 4 प्लस 9, इसके अलावा कुछ भी दिमाग नहीं लगाने का क्योंकि कभी नहीं चाहते, और यहां पर 0.3 और इंटू 200, अब ध्यान से देखो 0.3 इंटू 200 क्या होता है 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। आप बोलेंगे सर एक्स्ट्रा क्यों नहीं ऐड किया, 113 सेकंड आ गया आंसर, दैट इज इक्वल टू 1 मिनट 53 सेकंड्स। ओके, इसके अलावा कुछ और अगर आप ऐड करते तो आंसर पहली बात तो इससे ज्यादा आता, ठीक है, तो कभी चाहते ही नहीं कि आप कुछ और करें, कुछ गलती करें, इसलिए उन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये है कि यहां पर पॉइंट एंगल अगर गिवन भी होता तो आप क्या कर लेते, आपके पास कैलकुलेटर है क्या, नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कैलकुलेटर नहीं है ये सोचकर उन्होंने पॉइंट एंगल नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सर 0.5D तो हम लिख सकते थे ना, क्योंकि ये ओवर ट्रैवल केस है, दैट मींस थ्रू होल है, तो 0.5D हम और ऐड कर सकते थे, अगर आप कुछ और भी ऐड करते तो क्या आपको इन चारों में से कोई भी ऑप्शन मिलता क्या, नहीं मिलता। तो आप बोलेंगे सर अगर गेट में ऑप्शन नहीं होगा, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन गेट में है, हमने देखा गेट वाले क्वेश्चंस, उसमें या तो पॉइंट एंगल गिवन होता है, पॉइंट एंगल गिवन है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और अगर पॉइंट एंगल गिवन नहीं है तो हमें कंपलसरी अप्रोच नहीं लेना, वी विल नॉट एज्यूम। ओके, सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो ध्यान से तीनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो और चेक करो व्हाट वाज द डिफरेंस। सो द आंसर इज दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।